सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ पर। तो ओम्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन। तो ओम्स लॉ का जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ दैट कंडक्टर, और इन अनदर वर्ड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। गाइस एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये बोथ आर करेक्ट, मीन्स अलग अलग स्टेटमेंट पे ये दोनों सही होता है। इस स्टेटमेंट के लिए क्या है, आई जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, और इस स्टेटमेंट के लिए क्या है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब आइए जानते हैं कैसे। सपोज कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि हम लोग जानते हैं गाइस कि कोई भी चीज़ का फ्लो जो होता है हाइयर टू लोअर होता है, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये 20 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, तो टेम्परेचर का जो फ्लो होगा हाइयर टू लोअर होगा, और तब तक होगा जब तक ये बराबर ना हो जाए। मीन्स पाँच का फ्लो होगा तो ये 15 डिग्री हो जाएगा और ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, तब तक फ्लो होगा। मीन्स कि जितना डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। सपोज कीजिए ये 5 का होता और ये 50 का होता, तो कब तक का फ्लो होता, जब तक बराबर ना हो जाए, तो ज्यादा फ्लो होता। इट मीन्स करंट के केस में भी यही चीज फॉलो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, एक कंडक्टर है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा भी है, राइट। तो चार्ज जो है, सपोज कीजिए हायर पोटेंशियल पे है हाइयर आइए लोअर पोटेंशियल पे, तो चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हाइयर टू लोअर। तो इसी चीज को ओम्स लॉ बताया है कि जो फ्लो होगा चार्ज का फ्लो मीन्स करंट का फ्लो, ऑलराइट, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, ऑलराइट। तो करंट जो होगा हाइयर टू लोअर जाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ दैट कंडक्टर है, ऑलराइट। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब आइए जानते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। सपोज कीजिए एक रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है R ओम का, ठीक है। अब करंट I देते हैं हम लोग यहाँ से, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, ये हमको पता है, ऑलराइट। तो V जो है यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, R जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट R क्या है, कांस्टेंट। तो V किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। मीन जितना ज्यादा करंट, सपोज कीजिए 5 एम्पेयर देते हैं तो यहाँ होगा 5R, अगर 10 एम्पीयर देते हैं तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 10R। इट मींस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, यहां से देखने को मिल रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, इसको एक्सप्रेस करेंगे गाइस, तो आइए हम लोग जानते हैं कैसा यह स्टेटमेंट होगा। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे हम लोग तो वी इज इक्वल टू आई R आएगा, where R is constant, resistance को R बोलते हैं, और I current and V is potential difference across the end of that conductor, और right? अब ये हो गया हमारा equation, mathematical expression for Ohm's law, और ये equation हर एक circuit problem में आपको देखने को मिलने वाला है, चाहे basic level का circuit solve कर रहे हैं या advanced level का, ये formula आपको apply करना ही करना है, और right? चलिए आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लिए, तो हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो y is equal to mx प्लस जीरो, सी का वैल्यू क्या, जीरो, तो y इंटरसेप्शन जीरो हो गया। तो इसको जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, i वर्सेस v का ग्राफ, तो ये जाएगा इस प्रकार से। ये ओमिक कंडक्टर के लिए है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, m क्या है यहाँ पर, r। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर r इज इक्वल टू जो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, और r हो जाएगा जो क्या होगा, v बाय i। तो ये हो गया स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो ये हुआ हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और एक अब बात करते हैं कि ये जो ग्राफ है क्या सब कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल है, तो बिल्कुल नहीं, वो बहुत सारे 95% जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें अप्लीकेबल है, बट 5% ऐसे भी कंडक्टर है जो इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स जिसका स्लोप जो है कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होता। कुछ इस प्रकार आपने देखा होगा, एक सेमी कंडक्टर डायोड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डायोड का एग्जाम्पल आपने देखा होगा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में, तो ऐसे करके ऐसे जाता है कुछ और ऐसे कुछ करके होता था,
फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज। तो आप देख सकते हैं वी वर्सेस आई का ग्राफ है ये, आई और वी का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इस कॉन्स्टेंट स्लोप नहीं दे रहा, ऑलराइट। तो ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो ओम्स लॉ का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। थैंक यू वेरी मच।